नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एग्री एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद हम YouTube पर फिर से आए हैं। काफ़ी लोगों के कहने के बाद टाइम बहुत शॉर्टेज चल रहा है व्यस्तता के कारण। दोस्तों, आज हम YouTube पर आए हैं इसलिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फॉर्म ऑनलाइन चल रहा है और कैसे करें, क्या मतलब किस कोर्स में क्या कैसे, सब सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको बताते हैं, आप सासपा सरकारी जिला .com पर जाएंगे एडमिशन सेशन में, तो उसमें आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सेशन मिल जाएगा। ये है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको न्यू पेज खुल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं खुलना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल साइट आयू प्रवेश 2021 पर जाएंगे। तो यहाँ आपको देखिए, यहाँ पूरा खुल गया, सभी कोर्स की जानकारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन 11 सितंबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट 3 अक्टूबर है और एग्ज़ाम फीस 3 अक्टूबर है। और एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन आ गया है, 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में है। UGAT PGAT LLB 3 ईयर कोर्स के लिए जनरल OBC EWS 800 रुपये फीस और SC ST के लिए 400 रुपये फीस। और इन सबके कोर्स को छोड़कर अदर जितने कोर्स हैं सभी जनरल OBC EWS 1600 एंड SC ST 800। आपको यहाँ देखिए UGAT में कौन कौन से कोर्स आते हैं, BA, BCOM, BSc, ETC, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स। एलिजिबिलिटी भी दिया है 10+2। और PGAT में MA, MSc, MCOM, ETC, LLB 3 ईयर के लिए पेयरिंग बैचलर डिग्री, LLM, BLLB, BEd के लिए, MEd के लिए, MBA एंड IPS प्रोफेशनल कोर्स के लिए सम डिप्लोमास है इसमें, उसके लिए IPS कोर्स के लिए, जैसे MBA हुआ, फैशन डिजाइनिंग हुआ। एडमिशन करते समय आपको मार्कशीट लगेगा, डॉक्यूमेंट्स, ID प्रूफ, फोटो सिग्नेचर, ये सब लगेगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप उसको देख लीजिएगा, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे कर देंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे कर देंगे तो आपको न्यू पेज खुल जाएगा। फिर यहाँ आपको न्यू पेज जैसे खुलेगा, तो आप इसमें आप अपना कोर्स, जो आपका कोर्स है यहाँ पर, जो आपका कोर्स है जिसमें आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, प्रोफेशनल UG PG कोर्स के लिए करना चाहते हैं, हमारा PGAT एग्रीकल्चर MSc के लिए दिखा देते हैं, हम लोग यहाँ प्रोसेस कर देंगे तो आपको खुल जाएगा। यहाँ देखिए लिखा गया है 3 अक्टूबर लास्ट डेट है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि आपको नोटिफिकेशन से जानकारी चाहिए यहाँ आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप PGAT का नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ, PGAT का भी डाउनलोड हो रहा है, अभी डाउनलोड हो जाएगा, खुल जाएगा, ओपन कर रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है ओपन होने में। ये देखिए PGAT का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिए हैं। PGAT जितने कोर्स हैं सही प्रकार के यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। यहाँ देख लीजिए PGAT फर्स्ट एंड सेकंड, PGAT सेकंड वाले में यहाँ MSc एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आता है जो साइंस वाला है। यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ MSc एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर बॉटनी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर जूलॉजी एंड एंटोमोलॉजी कोर्स कोड दिया गया है। इन सब में 19-19 सीटेज हैं, रिजर्वेशन है OBC जो जिसने प्रकार के हैं 27%, 10% यहाँ के स्टाफ कोटा रीड। यहाँ पर जो जो आपको मार्क हैं रिडक्शन होगा, PGAT 300 मार्क का होगा, 150 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन आपके
सब्जेक्ट से होगा 50 क्वेश्चन, आपको जनरल अवेयरनेस होगा, करंट अफेयर जो जीके जीएस है इसमें से आएगा, और नो माइनस मार्किंग है, कोई निगेटिव मार्किंग चार्ज नहीं है, आप पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। और PGAT जो सेकंड वाला होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो ऑनलाइन होगा, टोटली पूरे ऑनलाइन पेपर होगा। यहाँ देखिए सीट दिया गया है, सही सभी कोर्स के सीट दिए गए, ये देखो 21, देखो बॉटनी में 19 सीट, केमिस्ट्री सॉइल साइंस में 21 सीट, इंटरमोलॉजी में 19 सीट। यहाँ पूरे कोर्स के बारे में दिया गया है, सभी जो एलिजिबिलिटी क्या है, पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, सभी कोर्स के बारे में नोटिफिकेशन दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसमें यही हिंदी वर्जन है, वही नोटिफिकेशन पूरा हिंदी है, उसको हम यहाँ से बैक कर देते हैं। यहाँ हेल्पलाइन नंबर भी है, कोई दिक्कत होती है आप उसके संपर्क करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें आप कर सकते हैं। देखिए आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड विल बी सेंट आपके SMS द्वारा, SMS पे आपके यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन खोलेंगे, पूरा अपलोड करेंगे, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर फीस कटाएंगे, फिर बाद टोटली एकदम फाइनल कर देंगे। आपको नाम डालना है, कंफर्म फुल नेम, कंफर्म फिर से वही नाम अपना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद प्रोसेस आप एप्लीकेशन कर देंगे। एप्लीकेशन कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज जाएगा, वो मैसेज आपको यूजर नेम और पासवर्ड उसी मैसेज में दिया रहेगा। फिर उसको आप आके यहाँ से जब हो जाएगा, फिर इसको आप यहाँ से इसी पेज पर आकर AU प्रवेश 2021 के पेज पर आकर यहाँ देखिए लॉगिन आईडी लिखा है ना, लॉगिन आईडी में अपना आईडी डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, फिर यहाँ से लॉगिन कर देंगे, फिर उसके बाद आराम से पूरा पेज खुल जाएगा। उसके बाद अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, फाइनल कर दीजिए। यहाँ देखिए हेल्पलाइन नंबर लिखा है, ये नंबर टाइमली 10 AM से 7 PM तक लगता है बस, और भी अन्यथा कोई अगर दिक्कत होती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद।